उफ़ो कितनी गर्मी है, बट नो टेंशन, आज मैं जो आपके साथ रेसिपी लेकर आई हूँ वो है आम का पन्ना। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? आज जो हमारी रेसिपी है उसके अंदर हम डालेंगे वाटर। हमने हाई फ्लेम पर रखना है वाटर, और उसके बाद हमने डालने हैं अंबी के पार्ट्स। अंबी के पार्ट्स हमने पहले क्या किया था, कैरी जिसे हम अंबी भी बोलते हैं, हमने वो ली, उसको हमने पील आउट किया और हमने छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया, इसीलिए ताकि हम जब ग्राइंडर में डालें तो इजीली हमारी ग्राइंड हो जाएँ। अब हमने बॉयल होने तक जब रख दिया था, उसके बाद हमने डाला है ब्लैक पेपर, वाइट सॉल्ट और ब्लैक सॉल्ट। ये हमने अकॉर्डिंग टू आर टेस्ट डाला है, और हमने इसीलिए डाला था ताकि हमारा ब्लैक सॉल्ट भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और ताकि हमारा टेस्ट डबल हो सके। अब हम इन्हें बॉयल होने तक बनता रहने देंगे। देखिए माशाल्लाह हमारा पल्प सॉफ्ट और जूसी रेडी है ऑलमोस्ट। अब जब नमाज़दा करने के बाद मैंने देखा तो हमारा पल्प ठंडा हो चुका था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी रेडी हुआ है। उसके अंदर मैंने अब ग्राइंडर में डाल दिया। ग्राइंडर में हमने शुगर डालने के बाद हम कुछ मिंट लीव्स डालेंगे और हम ग्राइंडिंग के लिए रख देंगे। हमने ये एक्चुअली ये रेसिपी इसलिए अपलोड करना चाहिए क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो कुछ ठंडा, कुछ मीठा, कुछ खट्टा मीठा होना चाहिए, तो इसलिए मैंने सब टेस्ट एक ही रेसिपी में अपलोड कर दिए। हमने ये शुगर सिरप था, उसके अंदर हमने अंबी सिरप बिल्कुल इसी तरह एक्ट करता है जिस तरह दूसरी ड्रिंक्स एक्ट करती हैं, लाइक जामशेरी, लाइक अदर जूसेस। हमने वाटर एज नीडेड, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी तैयार है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मस्ट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।